वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग और मैं हूं प्रतिमा। फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूं मैं क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेशनल वीडियो। बहुत मैस है मेरे घर में, तो जल्दी जल्दी सारे घर की क्लीनिंग करेंगे। आई होप कि आपको इससे मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग बहुत पसंद करते हैं क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन वीडियो मेरे चैनल पे। सो मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ ये मैसिव क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। फ्रेंड्स, हम लोग रात में लौटे हैं एक मैरिज फंक्शन से। जी हाँ, ये लॉकडाउन शादी थी, तो वहाँ से हम लौटे हैं। बहुत थक भी गए हैं, लेकिन पूरा घर मैस हो रहा है, तो उसको जल्दी जल्दी मैं क्लीन करूँगी आज। तो एक शुरुआत करूँगी, एक रूम से, एक कॉर्नर से शुरुआत करूँगी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, पूरा घर मैस हो रहा है। तो बस उसका सही तरीका है, एक कॉर्नर से शुरुआत करूँगी और आई होप कि आपको अच्छा क्लीनिंग मोटिवेशन मिलेगा इससे। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो मैं आ गई हूँ अपने मास्टर बेडरूम में और सबसे पहले आपको बिफोर पिक्चर्स दिखा देती हूँ। तो ये है मेरे रूम का हाल, सारा सामान इधर उधर पड़ा है और ये जो कपड़े आप देख रहे हैं ये वॉश में देना है, जो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। और ये सारी चीज़ें जगह पर रखनी है, यहाँ पर कपड़ों का ढेर है वो रखना है और ये बेडशीट भी चेंज करनी है, क्योंकि मैं दो तीन दिन में, आपको पता है, चेंज कर लेती हूँ बेडशीट, तो दो दिन तो ऑलमोस्ट हो गए हैं। साइड टेबल क्लीन करनी है। चलिए आगे चलती हूँ मैं नेक्स्ट रूम में, तो श्रिया का रूम भी दिखा देती हूँ आपको। तो श्रिया के रूम में भी काफ़ी मैस है, जो कि मुझे अच्छे से साफ करना है, क्लियर करना है। और ये सारे कपड़े जगह पे रखूँगी मैं, जो आप देख रहे हैं। और स्टडी पे भी काफ़ी सामान पड़ा हुआ है, जो कि मुझे जगह पे रखना है। चलिए मैं आप लोगों को ले जाती हूँ दूसरे रूम की तरफ, जो काफ़ी मैस है, मुझे आपको दिखाने में भी लग रहा है। लेकिन उससे पहले लिविंग रूम में चलते हैं। और यहाँ मेरा हैंडबैग रखा है और उसमें मैं दिखाती हूँ, ये पूरा फुल पैक्ड है और फुली लोडेड जैसे बोलते हैं ना, सारी चीज़ें, सारी ज्वेलरी वगैरह, मेकअप का सामान, कुछ कुछ इसमें डाल दिया, कुछ बैग में डाल दिया, जहाँ जल्दबाजी में जैसे समझ में आया वैसा रख के मैं लेकर आई हूँ। और ये ज्वेलरी बॉक्स है जिसे मैं जगह पर रखूँगी। और इधर किचन में ज़्यादा मैस नहीं है, क्योंकि रात में हमने कुछ खाना पीना नहीं करा है, बस सुबह नाश्ता वगैरह किया है, चाय वगैरह पी है, तो वो सारे बर्तन मैं क्लीन करूँगी और काउंटर टॉप भी क्लीन करूँगी। और कुछ वॉशिंग मशीन जो उधर है उसमें भी मैं कपड़े डालूँगी। थोड़े बहुत मुझे सोफ़ास क्लीन करने हैं और थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी है। यहाँ पर है मेरे कैमरे का बैग, चलिए उस तरफ ले जाती हूँ आपको। तो शूज़ वगैरह आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा होंगे, थोड़ी बहुत स्लीपर्स वगैरह हैं बाहर, जो कि मैं रख दूँगी। और अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट रूम की तरफ। तो यहाँ पर ये आप, मैंने कितना सारा फैला के रखा है, पहले मैं लाइट ऑन कर लूँ ताकि आपको सीधे सही से दिखा सकूँ। तो ये जो कपड़े हैं इन सबको फोल्ड भी करना है, कुछ को देखना है, कुछ को ड्राई क्लीन में डालना है। और इधर ये जो ढेर हैं ये सारे शायद ड्राई क्लीन वाले हैं, थोड़ा चेक करूँगी मैं इनको। तो कपड़े फोल्ड करना है, जो सबसे बोरिंग काम लगता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा आज करना पड़ेगा। और ये सारे मैंने जो पहने थे रिसेप्शन में, वो सारे कपड़े करूँगी मैं फोल्ड। ये सारी ज्वेलरी कुछ श्रिया की है, कुछ मेरी है, तो दोनों को मुझे रखना रहेगा इस रूम में। अब चलते हैं अगले तरफ, अगले रूम की तरफ। ये तो मैंने आपको दिखाई दिया, तो चलिए जल्दी जल्दी क्लीन कर लें। और सबसे पहले शुरुआत करती हूँ मैं अपने रूम से, जो कि सबसे ज़्यादा मैस मुझे जहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए क्लीनिंग शुरू करते हैं। तो मैंने अपना रेडियो ऑन कर दिया है और क्लीनिंग भी अब स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले मैं लेके आऊँगी कपड़े जो मैंने दो दिन पहले अपनी बालकनी में डाले थे। बिल्कुल मॉनसून टाइम चल रहा है और जल्दी कपड़े सूखते नहीं हैं, तो मेरी बालकनी ऊपर से कवर्ड है, तो मैं कपड़े डाल देती हूँ, एक दो दिन में अच्छे से ये ड्राई हो जाते हैं और उसके बाद फिर मैं लेके आती हूँ और फोल्ड करके रख देती हूँ। तो अभी दो दिन के लिए मैं गई हुई थी मैरिज फंक्शन में, तो अभी मैं आ गई हूँ तो पूरा घर क्लीन करूँगी। और इससे पहले कि इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं आप सभी से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहती हूं। तो मैं बताने जा रही हूं आपको ग्रो ऐप के बारे में। ग्रो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऐप है, ये इंडियन ऐप है फ्रेंड्स, जो कि फ्री ऑनलाइन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। बहुत ही ईजी है, ट्रांसपेरेंट है एंड सिक्योर है, कोई भी एजेंट मिडिलमैन इसमें नहीं है। जीरो कमीशन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आप ज़्यादा अर्न कर
कर सकते हैं रेगुलर म्यूचुअल फंड के कंपैरेटिव। 100% पेपरलेस है, आप 100 रुपीज से लेकर कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो SIP से करें या फिर आप लमसम पेमेंट करें, आप कैसे भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप 1000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 50 लाख तक आप अर्न कर सकते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देखिए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, उसको आप जरूर चेक करिए, वहां पर जाके आप हिट करिए और आप 100 रुपए से लेके कितना भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अपनी सेविंग्स को आप जरूर इन्वेस्टमेंट में डालें क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रहता है, सेफ रहता है, सिक्योर्ड रहता है फ्रेंड्स। तो अब मेरी यहाँ की तो क्लीनिंग हो गई है काफी कुछ, क्योंकि बेड अक्सर होता है ना फ्रेंड्स क्लीन हो जाता है तो हमें रूम काफ़ी क्लीन दिखता है, और बेड अगर मैसी रहता है ना तो पूरा घर जो है ना वो खराब ही दिखता है, क्योंकि जो 2-3 चीज़ें हैं ना घर की उसको क्लीन करने से काफ़ी फर्क पड़ता है। तो बस बेड की मैंने शीट चेंज कर दी है और अब मैं करूँगी थोड़ी बहुत क्लीनिंग, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि श्रिया क्या कर रही है। तो श्रिया से भी मैं आपकी बात करा दूँ, आप लोग वेट कर रहे होंगे। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी दूंगी, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्लीनिंग की तरफ, थोड़ी बहुत जो बची है वो करते हैं और फिर मैं आपसे श्रिया की बात करूंगी। मैं आ गई हूँ अब श्रिया के रूम में और उसके रूम की क्लीनिंग भी अब मैं करूँगी क्योंकि वो जा रही है अपने पापा के साथ। तो सारे उसके कपड़े वगैरह रखना और जितनी भी चीज़ें हैं उनको डीक्लटर करना, ये सब मैं करूँगी। एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास कि टीनेजर्स का रूम अलग से क्यों होना चाहिए। फ्रेंड्स, टीनेजर हों चाहे बच्चे हों, किसी भी बच्चे का या टीनेजर का रूम अगर हम अलग रखते हैं अपने से तो उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उनमें डिसीजन मेकिंग आती है। जब से श्रिया अलग सोने लगी ना फ्रेंड्स, तब से उसमें एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ा है और वो अपने डिसीजंस खुद लेने लगी है, बहुत फर्क पड़ा है। आप जब अपने बच्चों को अलग सुलाएंगे ना तो आप ये फर्क खुद महसूस करेंगे और बच्चे खुद करेंगे, बहुत उसके लिए इजी है करना। बच्चे भी मुझसे पूछते हैं कि आंटी हम अलग से कैसे सोएं, हमें तो बहुत डर लगता है। तो बेटा आप ये कोशिश करो, पहले दिन आप अपनी मम्मी के साथ सो या पापा के साथ सो या अपने भाई या बहन के साथ आप सो सकते हो इजीली। और पहले दिन अगर आपका नहीं हो पाता है एकदम से तो आप बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने मम्मी पापा के सोने से पहले सो जाओ, जब वो सोए ना उससे पहले अपने रूम में जाके सो जाओ, फिर रात में आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि आप कहाँ पर सो रहे हो। ऐसा करने से आप देखोगे कि आपके अंदर एक अलग ही लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ा है, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो। तो बहुत ज़रूरी है अलग सोना और अपने रूम को अलग रखना। तो अब ये जो कपड़े आप देख रहे हैं इनको मैं अलग रख दूंगी और बस बचा है स्टडी टेबल का थोड़ा बहुत सामान, ये रबर बैंड वगैरह जो उसने बाहर रखी हुई है उनको मैं जगह पर रख दूंगी। अब ये रूम हो गया है प्रॉपरली क्लीन अच्छे से और बस मेरे दो रूम अच्छे से क्लीन हो गए हैं। हाँ, मेरा रूम थोड़ा सा बचा है, उसको मैं लास्ट में करूँगी। तो देख लेते हैं इस रूम को एक बार, ये देखिए बहुत अच्छे से क्लीन। बहुत सारी ज्वेलरी इकट्ठी हो गई है यहाँ पर मेरे बैग में भी और डाइनिंग पे भी मैंने थोड़ा बहुत छोड़ दिया, कुछ मैंने अपने थर्ड रूम में छोड़ दिया है सोफे पर, तो वो सब भी मैं जगह पर रखूँगी। एक क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास स्टडी टेबल नहीं है तो हम कहाँ पढ़ें। आप बेड पे बिल्कुल भी ना पढ़ें, अभी कभी श्रिया बेड पर पढ़ती है लेकिन थोड़ी बहुत देर में उसको पढ़ने देती हूँ, बाकी मैं उसको बोलती हूँ टेबल पे पढ़ो, क्योंकि उससे बैक हमारी स्ट्रेट रहती है, बैक बोन स्ट्रेट रहती है। अगर आपके पास स्टडी टेबल नहीं है तो आप डाइनिंग पे पढ़ सकते हैं, और अगर डाइनिंग टेबल भी नहीं है तो कोई भी एक प्रॉपर हाइट का टेबल ले लीजिए, चाहे तो आप कॉफ़ी टेबल या सेंटर टेबल ले लीजिए और आप नीचे बैठ जाइए,
और बैक अपनी स्ट्रेट रखिए और उस पर बैठ के आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टेबल भी नहीं है तो आप पिलोज रख लीजिए अपने सामने, एक के ऊपर एक करके, और उस पर रखकर आप पढ़िए। कोशिश करिए अपना बैक आप स्ट्रेट रखें। एक बच्ची ने मुझसे पूछा था कि आंटी आप ये बताइए कि लैपटॉप देखना ठीक है कि मोबाइल देखना, तो मोबाइल से बेहतर है कि आप लैपटॉप देखें क्योंकि मोबाइल से बहुत रेडिएशंस आते हैं। वैसे तो मैं ये आपसे बोलूंगी कि दोनों ही आप कम देखें, बहुत ज़रूरी है तभी देखें। और श्रिया भी बहुत कम देखती है, हाफ एन आवर के लिए मैं उसको देती हूँ, कभी कभी बीच में वो ले लेती है लेकिन मैं उससे ले लेती हूँ, छीन लेती हूँ। तो कोशिश करें बच्चे कि जो लैपटॉप से दूर रहें और मोबाइल से भी दूर रहें, दोनों से दूर रहें। ऐसे कंपैरेटिवली आप लैपटॉप देख सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैं शादी के कपड़े घड़ी कर रही हूँ और इन सबको मुझे अलमीरा में जमाना है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें एक नैप्थलिन की बॉल डाल के रखती हूँ, यानी कि वो नैप्थलिन की गोली आती है ना, वो डाल के रखती हूँ। कोई भी आप कपड़ों को जब आप जमाएं तो उसमें इस तरीके की बॉल वगैरह डाल के रखें ताकि आपके कपड़े अच्छे रहें, क्योंकि हर बार तो वॉश करना ज़रूरी नहीं होता। ये ड्राई क्लीन वाले हैं, एक ही बार मैंने पहना है, अभी मैं एक बार और पहन सकती हूँ उसको। तो इस तरीके से मैं फोल्ड करके इसको रख दूंगी और मेरा वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन और सारे ऑर्गेनाइजेशन वीडियोज आप देख सकते हैं मैं कहाँ ऑर्गेनाइज करती हूँ और कैसे करती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने अपना थर्ड रूम भी क्लीन कर लिया है और अब मेरे दो रूम क्लीन हो गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं मेरे रूम में और वहां पर देखिए कितना सारा, बहुत सारा कपड़ों का भंडार लगा हुआ है। कुछ वॉश करने के हैं, कुछ फोल्ड करने के हैं, और सबसे ज्यादा जो हेक्टिक काम है ना वो है ज्वेलरी को जगह पर रखना, क्योंकि तरह तरह की ज्वेलरी निकली हुई है, कुछ श्रिया की भी है, कुछ मेरी भी है, और उन सबको मुझे जगह पर रखना है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रही हूँ कि कुछ पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मोबाइल देखने से कैसे बचना। अभी मैंने आपको बताया है कि दोनों में से कौन सा देखना है, जो एक बच्ची ने पूछा था। अब वो पूछ रहे हैं कुछ लोग मुझसे कि मोबाइल देखने से ऐसे आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं कि आप उनको एंगेज करते रहिए किसी ना किसी चीज़ में। जैसे आपने उनको पेंटिंग करने के लिए दे दिया, जैसे आपने उनको कोई काम दे दिया, बेटा ये 5 कपड़े फोल्ड करो, जैसे आपने पेड़ों में पानी डालने के लिए दे दिया, या फिर कभी आप उनको कोई स्टोरी सुना दीजिए, उनको बुक्स दे दीजिए पढ़ने के लिए, स्टोरी बुक्स पढ़ने की उनमें आदत डालिए। मुझे तो स्टोरी बुक्स पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैंने श्रिया में ये हैबिट इसलिए डाली क्योंकि मैंने देखा कि उसके एज ग्रुप के जो बच्चे हैं ना वो ज़्यादातर टीवी देखते हैं या फिर मोबाइल में गेम्स खेलते हैं। तो बेहतर है कि बच्चों को आप स्टोरी बुक्स दे दीजिए, कभी तो पढ़ेंगे वो, कॉमिक्स दे दीजिए, तो कुछ ना कुछ में आप उनको इंटरेस्टेड बनाइए। जैसे पियानो प्ले करती है वो, या कभी गाना गाने लगती, कभी डांस करने लगती, तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ में उनको डाले रखिए ताकि वो मोबाइल से बचे रहें। मेरा ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन वीडियो अलग से है, आप चाहे तो उन्हें चेक कर सकते हैं, उसमें आपको पूरा डिटेल में सब चीज़ मिल जाएगी। और यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ एक बच्ची का, और वो पूछ रही है कि मैथ्स की पढ़ाई और DIYs और ये सारी चीज़ें उनकी वीडियो कब आएगी।
सबकी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए मैं लेके आ रही हूँ, तो आप बस ट्यून रहिए और थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स, बहुत सारे घंटे बैठ के एडिट करना पड़ता है। तो सारी वीडियोस मैं लेकर आ रही हूँ आपके लिए। तो अभी क्लीनिंग वाली वीडियो जो कि बहुत सारे व्यूवर्स की पसंद होती है और डिमांड होती है, तो वो, और उसके बाद फिर Q&A, DIY, श्रिया का मॉर्निंग नाइट रूटीन, तो हम दोनों का कैसा दिन बीतता है, तो सारी वीडियोस जो आप सब डिमांड कर रहे हैं ना, वो सब मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। और एक चीज और पूछते हैं मुझसे कई व्यूवर्स कि आप डेली व्लॉग्स यानी कि डेली वीडियोस क्यों नहीं पोस्ट करते। तो फ्रेंड्स, डेली पोस्ट करना तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मेरे पास वैसे ही टाइम नहीं हो पाता, मुझे बहुत सारे काम देखने रहते हैं और फिर यूट्यूब का काम भी देखना रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ हफ्ते में एक वीडियो तो आप लोगों के लिए पोस्ट करूँ ही, और मेरी जो वीडियो है ना वो सैटरडे आती है, मोस्ट ऑफ द टाइम सैटरडेज में मैं पोस्ट करती हूँ। तो आप सैटरडे ट्यून रहा करिए। मुझे फ्रेंड्स 2 से 3 घंटे हो गए हैं ये सारे काम करते करते, और सबसे ज़्यादा टाइम लिया है ज्वेलरी को रखने में। तो फाइनली मेरी ज्वेलरी जो है वो ऑर्गेनाइज हो गई है, और अब मैं आ गई हूँ अपने लिविंग रूम में और थोड़ी बहुत डस्टिंग करूँगी, क्योंकि सारे काम एक साथ नहीं करने चाहिए। डीक्लटर इतना ज़्यादा हो गया था कि डस्टिंग मैं सब जगह की नहीं करूँगी, लिविंग रूम की करूँगी और डाइनिंग स्पेस की करूँगी, और थोड़ी बहुत जो है वो श्रिया के रूम की करूँगी बस, क्योंकि बाकी फिर रूम की मैं शाम को भी कर सकती हूँ या फिर मैं नेक्स्ट डे करूँगी। तो इस टाइप से मैं मैनेज कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, एक मैसेज पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा जो स्टडी रूटीन वाला वीडियो है श्रिया का मेरे चैनल पे, वो देखा है दीपा दुबे जी ने, और उन्होंने मुझे लिखा, थैंक्स फॉर दिस ऑसम रूटीन, फाइनली माई 86% बिकम 97 एंड आई गॉट अ टेलीस्कोप फॉर माई गिफ्ट, सो करंटली आई एम स्टडिंग अबाउट स्पेस, थैंक्स प्रतिमा आंटी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे इंस्पायर होते हैं और कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, या मैं बोल रही हूँ अकेले सो, तो वो सो रहे हैं अकेले और वो मुझे बाद में बताते भी हैं कि हम एक वीक से ऐसा कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे आप लोग मेरी फैमिली हो ना, तो आप लोग जो भी चीज़ें करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में ही हो रही हैं, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। अब ये बात नहीं रहती ना फ्रेंड्स कि मैं अपना कुछ दिखा रही हूँ और आप सिर्फ देख रहे हैं, कुछ मैं आपसे सीखूँ आप मुझसे सीखते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और श्रिया का जो रूटीन है वो मैंने बनाया है, वो भी फॉलो करती है। हाँ, उसके एक्सरसाइज के ऊपर आता है कि वो एक्सरसाइज, तो कभी कभी वो एक्सरसाइज करती है, कभी कभी वो नहीं भी करती है, लेकिन डेली वो खेलती है, खेलने जाती है, ये मैंने उसको कंपल्सरी चीज़ करके रखी है कि तुम्हें बेटा रोज़ खेलने जाना है। तो अभी मेरे किचन की क्लीनिंग ऑलमोस्ट हो गई है, और अब मैं करूँगी बर्तनों को साफ, क्योंकि मेड तो अभी आ नहीं रही है और मैं उसको बुलाऊंगी भी नहीं, तो बस फटाफट बर्तन क्लीन कर लेंगे और उसके बाद मैं जाऊँगी अपने दूसरे काम की तरफ। छोटे मोटे मेरे काम रह गए हैं, और होपफुली अब थोड़ी देर में श्रिया भी आने वाली है, तो लास्ट में मैं आपको श्रिया से ज़रूर मिलवाऊंगी, मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, और नेक्स्ट सारी वीडियोस जो हैं वो श्रिया के साथ आएंगी, मैं ये प्रॉमिस से। बर्तन भी अच्छे से क्लीन हो गए, आज थोड़े कम बर्तन थे क्योंकि हम लोग रात में ही आए हैं, तो बस नाश्ते वगैरह के निकले थे तो वो मैंने क्लीन कर दिए। और पेड़ों में पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारिश हुई है लास्ट नाइट, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी पेड़ जो है, मिट्टी जो है काफ़ी गीली है, और ये मेरा एंट्रेंस वाला एरिया है, तो बस अब मैं थोड़ा बहुत जो है बालकनी में देख लेती हूँ, जो कवर्ड बालकनी में प्लांट्स रहते हैं वहाँ पर अगर डालना होगा तो डालूंगी, अदरवाइज नहीं। तो बस सारे शूज़ वगैरह मैं अंदर रख दूंगी, और यहाँ पर रहता है मेरा सैनिटाइज़र जो कि हम लोग आते से ही लगाते हैं, आप लोग भी यही सब करते होंगे। और लास्ट काम रहता है फ्रेंड्स मेरा कपड़े फोल्ड करना, जो कि मेरा लीस्ट फेवरेट है। वैसे तो मुझे सारे काम करने हैं, मैं सोच के रखती हूँ कि सब मेरी ड्यूटीज़ हैं, मुझे करनी ही हैं, लेकिन ये जो काम मेरा लीस्ट फेवरेट रहता है ना, उसको मैं लास्ट में करती हूँ। तो बस कपड़े मेरे हो गए हैं फोल्ड, और उन सबको रख दूंगी मैं अपनी अपनी जगह, तो मेरा आज काम
पूरा हो जाएगा। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं धीरे धीरे सब चीज जमाऊंगी, लेकिन मैंने कर लिया। म्यूजिक जो होता है ना बहुत सपोर्ट करता है मुझे, तो म्यूजिक सुनती रहती हूँ, अलग अलग टाइप के गाने आते रहते हैं और उसका मजा लेती रहती हूँ और बस अपने कामों को करती रहती हूँ। बस इस वाली बालकनी में थोड़ा सा प्लांट्स को पानी देना है, क्योंकि यहाँ पर एकदम से अंदर पानी नहीं आता है, तो ये प्लांट्स को थोड़ा देना पड़ता है पानी। और बस उसके बाद मैं आपसे मिलवाती हूँ। श्रिया आ गई है, तो काफ़ी टाइम भी हो गया उसको आए हुए, तो बस अब मैं उसको थोड़ा बहुत कुछ खाने को देती हूँ और फिर मैं आपसे बात कर पाती हूँ उसकी। तो अभी मैं अपने घर पे वापस आ गई हूँ, अभी पापा के साथ मैं वापस आ गई हूँ। फिर थोड़ी देर के लिए मैं सो भी गई थी, इसलिए अभी रात हो गई है। तो अभी पीरियोडिक टेस्ट मेरे चालू होने वाले हैं, तो कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए मैं अपना कुछ फन टाइम जो है वो कुछ दिनों के लिए नहीं फॉलो करूँगी। लेकिन जो खेलने का टाइम है, जब मैं खेलने जाती हूँ, वो तो मैं खेलने के लिए जाऊँगी, पीरियोडिक टेस्ट में भी जाऊँगी, क्योंकि बाहर खेलना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, जैसे टीवी वगैरह देख रही है और और भी जो बीच में थोड़ा सा मोबाइल देख लेती थी कभी कभी जो हाफ एन आवर के लिए, या फिर स्टोरी बुक्स पढ़ना, या फिर ज़्यादा जो फन में जो डांस वगैरह करना, वो अभी थोड़े दिन नहीं करेगी। उसकी जगह पर अपनी प्रिपरेशन करेगी, और अगर प्रिपरेशन पूरी हो जाती है तो फिर तुम कर सकती हो अपना जो भी काम है वो कर सकती हो। लेकिन प्रायोरिटी में पहले अपना जो पढ़ाई है वो करो। उसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं है, कि सब लोग फिर पूछेंगे कि इसका क्या टाइम टेबल बनाया। कोई टाइम टेबल नहीं है, जब जब वो फन कर रही थी उस टाइम पे वो अपनी पढ़ाई करेगी, और अगर उसकी पढ़ाई हो जाती है तो फिर वो वैसे ही शेड्यूल फॉलो करेगी जो करती है। हाँ, और कई लोग ये भी बोल रहे थे कि लॉकडाउन में बाहर कैसे खेलने जा सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है। तो वैसे अभी यहाँ पे अनलॉक 1 हो गया है, और जब लॉकडाउन था तब भी इतनी फ्रीडम थी हमें कि हम अपनी कॉलोनीज में खेलने जा सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी बिल्डिंग की टेरेस पे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाती हूँ। हाँ, जो बिल्डिंग में जो बच्चे रहते हैं जो कहीं और नहीं जा रहे हैं या किसी से और मिलना जुलना नहीं कर रहे हैं, तो हम वो बिल्कुल बिल्डिंग से बाहर निकलते ही नहीं है, तो उन बच्चों के साथ श्रिया खेल रही थी। वो एक बिल्डिंग में हम लोग जो रह रहे हैं एक तरह से फैमिली ही है, तो ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का बच्चा या दूसरी बिल्डिंग का भी बच्चा नहीं आता। सेम ही बिल्डिंग के जो हमारा डोर पे, मतलब नेक्स्ट डोर पे जो भी रहते हैं, उनके साथ खेल रही है। जो 3-4 बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे हैं, है ना श्रिया? सो अब बताओ कि वो जो अब तुम्हारे एक टेस्ट हैं, तो टेस्ट में अपनी प्रिपरेशन पूरी करेंगे, और भी बच्चों के टेस्ट होंगे, तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं ना, उनके भी एग्ज़ाम्स होंगे। तो बस ये है कि श्रिया का जो टाइम टेबल है, अगर आप कोई भी क्लास में हैं तो उसमें आप अपना कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिए, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं 4th क्लास का 5th क्लास का या हर क्लास का टाइम टेबल बना कर दूँ। मैंने एक टाइम टेबल दे दिया, उसके हिसाब से आप उसको एक आइडिया उससे ले लीजिए और अपने हिसाब से बना लीजिए, है ना श्रिया? हाँ। तो अभी श्रिया पेंटिंग वगैरह कम करेगी, पहले पढ़ेगी फिर करेगी, है ना श्रिया? हाँ। ओके ओके, सो बाय बोल दो सबसे, बाय, और ऑल द बेस्ट बोल दो सबको, उनके भी एग्जाम्स होंगे। हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।